नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आर सोफाज में। आज इस हम पर्टिकुलर डिजाइन के साथ हैं। वैसे तो अनिल देखा जाए कि येलो कलर में बहुत ही कम बनते हैं जी, पर इसमें हमने कस्टमाइज भी किया है, खासतौर से वीडियो बनाने का प्रपोज यही है जी। फाइव सीटर में तो इस तरीके के हैंडल आप देखेंगे बनते रहते हैं जी, पर एल सेटिंग में पहली बार हमने इस तरीके के कस्टमाइज में हैंडल बनाए जी। तो चलिए एक बार दिखा दीजिएगा, फिर इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। आप अगर इसका हैंडल अगर आप देखेंगे तो हैंडल थोड़ा सा यूनिक है। ये जनरली क्या है, ये फाइव सीटर डिजाइन में तो बनता है बहुत ज़्यादा, और ये एल शेप में फर्स्ट टाइम हमने बनाया क्योंकि हमारे पास कस्टमाइज के लिए आया था कि आप बेहतर से बेहतर राघो जी क्या बना सकते हैं। तो उसमें हमने अपनी तरफ से पूरी अटैम्प्ट करी है कि ये बेहतर लुक आए, और ओवरऑल हमने देखा है तो काफ़ी अच्छा लुक भी नज़र आ रहा है अगर आप देखेंगे। क्योंकि इसकी डिजाइन में जो मैं बता रहा था अनिल की, इसकी डिजाइन जो है पर्टिकुलरली डिजाइन के बारे में बात कर रहे थे जी, आपके हैंडल के बारे में। एक तो हैंडल अगर आप देखेंगे, हम लोग जनरली जो बनाते हैं वो फ्लैट बनाते हैं। कर्व आप दिखाएंगे इधर, अगर आप साइड से दिखाएंगे, अब ये हैंडल इस तरीके का जो हैंडल रहता है, ये जनरली फाइव सीटर में तो बनता है, पर एल फिटिंग में इस तरीके का डिजाइन नहीं आता है जी। और इसके अलावा अगर आप बैक में देखेंगे, बैक में देखिए ये पार्ट जो है ये हमने लुक के पर्पज से दिया है। ये वाला पार्ट दिखाएंगे, ये जनरली जो हम लोग यहाँ यूटी की बात करें, खासतौर यहाँ हसीना के नाम से हम लोग एक सेट बनाते हैं जी जी। तो उस सेट का इसको आप कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा इम्प्लीमेंट किया है, केवल जो हैंडल का पार्ट है जी। अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे, और ये पाइपिंग भी इसी लिए दिया हुआ है क्योंकि अगर ओवरऑल देखेंगे बहुत प्लान हो जाता जी अगर हम वैसे बनाते हैं। तो इसीलिए खासतौर से इसको हमने थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करी है कि इस पाइपिंग में इसका लुक कैसे आए, और ये है कि सफलता मिली है कि अब काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। और समय बड़ी बात है, जिसके पास जाना है उसको भी अच्छा लगता है। अब दूसरी बात करते हैं, अगर आप इसमें देखेंगे, ये हमने जो है दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया जी। अब यहाँ से लेके आप लास्ट तक देखेंगे इस हैंडल तक, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखिए दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए अगर हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं तो शायद इतना बेहतर लुक नहीं आता जी, क्योंकि ये बहुत लंबा सेट है, इसीलिए हमने कोशिश करी है कि एक इक्वली दिखे। दूसरी चीज़ हमने इसमें थोड़ा सा और इम्प्लीमेंट किया है, अगर आप दिखाएंगे, एक तो ये सीट पर हमने सिलाई दिया हुआ है 10mm में, अगर आप सभी में दिखाएंगे, और इसके अलावा जो बॉर्डर एरिया है, जनरली जो बॉर्डर एरिया रहता है वो प्लेन रहता है, पर इसमें अगर आप देखेंगे ये 10mm की सीट के साथ इस तरीके के बर्फी सिलाई इसको बोलते हैं जी, तो वो किया हुआ है। तो इससे हमने कोशिश यही करी थी कि हम क्या क्या और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे डिजाइन का लुक थोड़ा सा अच्छा लगे जी। तो एक तो ये हो गई, अब आ जाते हैं कॉर्नर की बात। कॉर्नर पे अगर आप देखेंगे, क्योंकि देखिए कलर बहुत सेम कलर के होने की वजह से, आप क्लोज से दिखाएंगे अनिल और पास आ जाइए जी, इसमें भी अगर आप देखेंगे, इसमें भी यहाँ पे हमने जो कॉर्नर वाला जो पार्ट है, ये जो गुलाई आ रही है साथ में, जिसमें हमने क्या है 10mm का सीट के साथ सिलाई दी है। बाकी ये दोनों जो पार्ट हैं ये प्लेन रखे हैं। अब आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, सिंपल एंड सोबर बनाने की कोशिश करी। वैसे हम लोग जल्दी डायमंड लगाते हैं कॉर्नर पे, पर यहाँ पे क्या है, इसी सेम फैब्रिक का हमने बटन लगाया है जी। तो आप देखेंगे इसीलिए कि जो सिंपल एंड सोबर दिखने में, क्योंकि देखिए फाइव सीटरों में शादी के पर्पज से तो चल जाते हैं, अब ये लिविंग रूम में रहेगा उनका सोफा, तो इसीलिए हमने कोशिश करी है कि उसी हिसाब से उसका लुक भी दें जी। तो एक तो होगी ये बात, जनरली हम जो बात कर रहे थे, अब इसके साथ साथ हम आ जाते हैं इनके दो जो हम पफी बनाते हैं, इसको हम सीट की तरीके बनाया है। अगर आप देखेंगे एक तो बहुत अच्छा कंफर्ट है, दोनों साइड आप किसी साइड से होकर बैठिएगा तो दोनों साइड काफ़ी अच्छा कंफर्ट है जी। इसमें भी हमने सेम लुक देने की कोशिश करी, अगर आप देखेंगे सीट पर भी जो सेम हमने इसमें सिलाई दी थी 10mm के साथ, वही सेम आपको सिलाई इसमें भी मिलेगी जी। 10mm की सीट के साथ ये जो बर्फी सिलाई है जो नीचे पार्ट में दी है। अब इसके अलावा जो बात करते हैं मजबूती में, क्योंकि क्या क्या हमें ख्याल रखना चाहिए इसमें, जैसा कि हमने आपको बताया है जी, कि देखिए दो चीज़ें तो हैं इन्हें, एक तो फॉर्म, जैसे 4 इंची का फॉर्म लगाया, इसमें हमने जो यूज किया है वो 5 इंची का फॉर्म यूज किया है जी, और ये एक्वा प्रीमियम का। इसके साथ साथ इसमें हमने जो हम लोग इजीली ईपी बोलते हैं या हिटलॉन बोलते हैं वाइट कलर का, तो 2 इंची हमने वो यूज किया है। इसके अलावा फिर बाद में जो हम बता रहे थे, ऊपर से जो सिलाई होती है कपड़े में वो भी डबल स्तर की सिलाई है, और 10mm की सीट के साथ जी जी। तो मजबूती का एक जो क्राइटेरिया होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जी, क्योंकि देखिए जनरली हम लोग देते हैं हमारे जो बेसिक लेवल के जो सोफे बनते हैं उसमें भी हम 5 साल गारंटी देते हैं जी। तो कई जो हम लोग बात करते हैं एक्वा प्रीमियम की हो गया या इलास्टिक की बात हो गई,
या प्यू फॉर्म हो गया, इसमें कम से कम 10 साल तक की गारंटी देते हैं। तो ये बनाने का पर्पज यही था क्योंकि इसका जो लुक आप देखेंगे, इसीलिए अभी कस्टमाइज सोफे में जो भी हमारे पास आते हैं हम कोशिश करते हैं कि उसके लिए आपको वीडियो बनाते रहें, क्योंकि एक आइडिया बनता है कि आपको हमें कैसे और डिजाइन बढ़ा सकते हैं। तो एक ये लेटेस्ट हमारे पास डिजाइन जो है ये अभी तक मार्केट में बनाया ही नहीं होगा किसी ने, कल्पना करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अभी तक देखिए जो हम लोग 5 सीटर बनाते थे, हम कोशिश कर रहे हैं कि 5 सीटर और एल सेटिंग का क्या मिक्स ऐसा बनाए जिससे लुक बेहतर आए। तो अभी यही है, कल जो बनकर रेडी होगा उसके बारे में डिटेल में बात कल करेंगे। अभी के लिए नमस्कार।